जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, आपके पास केवल एक दिन बचा है, आज की डेट कितनी है, 12 है। अभी मैं 9 बजे तक वीडियो अपलोड कर दूंगा, अगले दिन 13 तारीख को 9 बजे आपका पेपर है। आपके पास अभी भी पूरे 24 घंटे हैं, तो मैं आप सभी के लिए पूरी ओटी प्रश्नावली ओटी मतलब बुक की ओटी, परीक्षा अध्ययन की ओटी, परीक्षा बोध की ओटी, सभी की ओटी में मिक्सअप आप सभी के लिए लेके आया हूँ। आज की वीडियो में अपनी वीडियो बड़ी होगी, पर मैं आपको सभी को पूरी ओटी समझाऊंगा, पूरी मैं आपको ओटी समझाऊंगा। कुछ ओटी हैं, ओटी आपको समझाऊंगा, यहाँ से ओटी एक भी बाहर नहीं जानी। ध्यान से पूरी वीडियो पर आप बने रहें, लाइन टू लाइन पूरी वीडियो को आप देखना। अगर आप यहाँ से ओटी देखने आए हो, अगर आप सभी ने अध्याय 1 से लेके अध्याय 14 तक रिवीजन नहीं किया है, तो मैंने अध्याय 1 से लेके अध्याय 14 तक मैंने पूरी वीडियो YouTube पर अपलोड कर दिए, वहां से मेरी वीडियो को देख सकते हो। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो नहीं देखी हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करने के बाद अध्याय 1 से लेके अध्याय 14 तक मेरी वीडियो को रिवीजन आप कर सकते हो। आज की वीडियो पर सीखेंगे एक्सरसाइज ओटी, जो पेपर में आने के चांस है। ध्यान से देखना, आप देखिए, आपसे पहला प्रश्न बोला है, देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। सम पूर्णांक बोला है, क्या बोला है, सम पूर्णांक बोला है। जब किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक बोल दे, तो जो भी यहां बोले, m बोले, n बोले, q बोले, कुछ ही बोल दे और सम पूर्णांक बोल दे, तो आप कौन लगा देना, 2 लगा देना आगे, कौन लगा देना, 2, तो आपका कौन सा कौन हो जाएगा, 2m। किसी पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक विषम, अब कौन बोल दिया, विषम पूर्णांक बोल दिया, क्या बोल दिया, विषम पूर्णांक, पहले एम बोला था सम पूर्णांक, सम पूर्णांक बोले, जो भी दे रखा कौन लगा, 2 लगा दो। जब विषम पूर्णांक बोले, कोई भी दे रखा हो, कोई भी दे रखा हो, 2 तो आपको लगाना है, जब विषम बोले ना, 2 तो आपको लगाना है क्यू के साथ, 2 क्यू लगाया, लास्ट में प्लस 1 और जोड़ देना, लास्ट में हमेशा प्लस 1 और जोड़ देना। सम पूर्णांक m बोले तो 2m, विषम पूर्णांक बोले, q बोला, 2q तो आना ही है, प्लस 1 और जोड़ देना, जब विषम पूर्णांक की बात चलती है। अब तीसरे पे आते हैं, तो तीसरा देखते हैं अपन, देखो तीसरा प्रश्न आपसे क्या बोला है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b निम्न रूप में लिखे हो, ए आपसे बोला है एक्स की घात 3 और वाई की घात 2, बी बोला है एक्स वाई की घात 3, तो एक्स और वाई अभाज्य संख्या है, तब एचसीएफ ए कॉमा बी क्या होगा। आपको इतना ध्यान देना है, ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो कम होता है वो होता है एचसीएफ, जो कम होता है वो अपन लेते हैं कॉमन, जो कम होता है वो अपन लेते हैं कॉमन। देखो एक्स कितनी बार है, 3 बार है, एक्स कितनी बार है, 1 बार है, तो एक्स 3 वाला कम होता है, 1 वाला कम होता है, 1 वाला कम होता है, तो हमने कौन कॉमन लिया, एक्स कॉमन लिया, कौन कॉमन लिया, हमने एक्स कॉमन लिया। वाई कितनी बार है, 2 बार है, वाई कितनी बार है, 3 बार है, तो वाई 2 वाला कम होता है, 3 वाला कम होता है, तो वाई 2 वाला कम होता है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, एक्स वाई की घात 2। एचसीएफ में क्या होता है, जो कम होते हैं वो लेते हैं कॉमन, तो आपका आंसर कौन होगा, एक्स वाई की घात 2। अगला देखो, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक p एवं q निम्न की तरह व्यक्त किए गए, p आपसे बोला है a b की घात 2, q बोला है a 3 की घात b, a और b अभाज्य संख्या हैं, LCM बताना p और q को मान। देखो LCM में क्या होता है, कम वाला होता है, LCM में क्या होता है, ज्यादा वाला होता है। देखो a b की घात 2 और a की घात 3 और b, देखो a कितनी बार है, 1 बार है, कितनी बार है, 3 बार है, तो ए 1 वाला कम होता है, सॉरी ए 1 वाला ज्यादा होता है, 3 वाला ज्यादा होता है, कौन सा वाला ज्यादा होता है, 3 वाला, तो यहां पर ए 1 बार था, यहां पर ये 3 बार है, तो मैं ज्यादा वाला लिखा, क्यों, क्योंकि एलसीएम पूछा है, तो ज्यादा वाला कौन हुआ, 1 की घात 3। जी बी कितनी बार है, 1 बार है, जी बी कितनी बार है, 2 बार है, तो बी 1 वाला ज्यादा होता है कि 2 वाला ज्यादा होता है, 2 वाला ज्यादा होता है, तो हमने कौन लिखा, बी की घात 2 लिखा। इतना सा ध्यान देना है, एचसीएम में कम वाला कॉमन लेते हैं, एलसीएम में ज्यादा वाला कॉमन लेते हैं। अगला बोला है एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या गुणनफल होगा। जब एक अशून्य परिमेय संख्या दे रखी हो, अशून्य परिमेय संख्या दे रखी हो, एक परिमेय संख्या गुणनफल पूछा हो,
तो आपका आंसर कौन कहलाएगा? सदिप अपरिमेय संख्या। 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा? तो आपको करना पड़ेगा 96 और 404 का गुणनफल, गुणनखंड। कैसे देखो, 96 और 404 का देखो, 96 और 404 करो देखो, दो चौके आठ, एक बचा, एक और छह 16, दो अट्ठे 16, दो दूनी 4, दो चौके 8, दो एकम 2, दो दूनी 4, दो छके 12, दो तिया 6, तीन एकम 3, 404, दो दूनी 4 0, दो दूनी 4, दो एकम 2 0, दो एकम 2, 101 से कितनी बार में कटता है? एक बार में कटता है। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो कम होता है वो लेते हैं कॉमन। दो यहां पर है और दो यहां पर है, ऐसे दोनों में सेम होने चाहिए, जो कम होगा वो अपन लेंगे कॉमन। दो यहां पर है, दो यहां पर है, दो गत्ती वाला लिखा अपन एक बार लिखा। अब दो यहां पर है और दो यहां पर है, दो गत्ती वाला लिखा अपन एक बार लिखा। अब यहां पर तो दो है, पर यहां पर दो है क्या? नहीं है। यहां पर 101 है, पर यहां पर 101 है क्या? नहीं है। जो दोनों में सेम हो और जो कम हो वो लेते हैं कॉमन। दो यहां पर था, दो यहां पर, दो के लिए कॉमन। दो यहां पर था, दो यहां पर था, दो के लिए मैंने कॉमन। तो अपना 2 × 2 कितना कहलाएगा? 4। 2 × 2 कितना कहलाएगा? 4। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 4। अगला देखो, रूट पी, जहां पी एक अभाज्य संख्या होती है तो एक कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। कौन संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अगला देखो, 7 अपना हो गया, 8 पर आ जाओ। देखो 8वां समझते हैं अपन, 8वां आपसे क्या बोला है, ध्यान से देखना 8वां। देखो 8वां आपसे बोला है, संख्याओं में प्रत्येक उपनिष अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या कहलाता है? संख्या में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। देखो जब सबसे छोटी घात बोल दे, तो सबसे छोटी घात बोल दे जो आपसे, तो सबसे छोटी घात का आंसर कौन होगा? महत्तम समवर्तक एचसीएफ। जब सबसे बड़ी घात पूछे तो आंसर क्या हुआ? लघुत्तम समवर्तक एलसीएम। छोटी घात बोले तो एचसीएफ, बड़ी घात बोले तो एलसीएम। 90 तक अपना हो चुका। अगले पर आ जाओ, 10वें पर, 10वां समझते हैं। देखो 10वां आपसे बोला है कि कोई संख्या पी बटे क्यू, जहां पी एवं क्यू परस्पर अभाज्य पूर्णांक तथा क्यू बराबर 0, तो कौन कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। कौन कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जो आपको डार्क दिख रहा होगा वो अपना आंसर है। अगला, एचसीएफ ए कॉमा बी, एलसीएफ ए कॉमा बी, तो क्या होगा? देखो जब आपको एचसीएफ दे और आपको एलसीएम दे, बीच में कौन हो? इंटू हो। बीच में कौन हो? इंटू हो। और दोनों संख्या क्या हो? सेम हो। दोनों संख्या क्या हो? सेम। आपके मन में डाउट आया, सर यहां दोनों संख्या सेम हो, अलग हो तो हम क्या करेंगे? ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। जे एचसीएफ है, जे एलसीएम है, और दोनों संख्या सेम हो, बीच में क्या हो? इंटू हो। तो जो भी कोष्टक के अंदर लिखा हो, जो भी कोष्टक के अंदर लिखा हो, उसका आप कर दो इंटू। तो ए कॉमा बी लिखा है, कौन लिखा? ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी का इंटू कर दो, क्या होगा? ए इंटू बी होगा। एक इंटू बी में करो तो भी ए इंटू बी आएगा, एक इंटू बी में करो तो भी ए इंटू बी आएगा। यहां का इंटू कर लो चाहे यहां का इंटू कर लो, वो दोनों का इंटू सेम आएगा। ए का इंटू बी में करो तो भी ए इंटू बी आएगा, एक इंटू बी में करो तो भी यहां से ए इंटू बी आएगा। क्लियर यहां तक? अगला देखो, प्रत्येक प्रकट संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक प्रकट संख्या होती है क्या? नहीं होती। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है क्या? नहीं होती, तो गलत है। अगला फिर वो लाए, दो संख्याओं ए एवं बी के एलसीएम ए कॉमा बी एवं एचसीएफ ए कॉमा बी क्रमशः एक्स और वाई है, ए कॉमा बी एक्स और वाई में क्या संबंध होगा? तो आपके पास क्या संबंध होगा? एक क्या संबंध होगा? पहले ए का इंटू बी में करेंगे, क्या करेंगे? ए का इंटू बी में करेंगे, फिर एक्स का इंटू किस में कर देंगे? वाई में। तो आपका संबंध क्या होगा? ए इंटू बी बराबर एक्स इंटू वाई। अगला आपसे बोला है, 17 पर आ जाओ, चलो 17 बाद आ जाओ। देखो 17वां आपसे बोला है, यदि एक ए बराबर बी क्यू, तो ए और बी में क्या संबंध है? ए बराबर बी क्यू है तो ए और बी में क्या संबंध है? वी कॉमा ए का एक गुणनखंड है। अगला, चर एक्स के बहुपद पी एक्स में एक्स की निम्न घात बहुपद की घात क्या कहलाती है? उच्चतम घात कहलाती है। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात कितनी होगी? 2 होगी। द्विघात बहुपद एक्स की घात 2 बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों योगफल का सूत्र क्या होता है? माइनस के बी बटे ए। द्विघात बहुपद एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल,
शून्यों का युगफल का सूत्र क्या होता है? माइनस का बी बटे ए। शून्यों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है? सी बटे ए। अगला देखो, एक त्रिघात घन बहुपद का एक एक्स घात तीन वी एक्स घात दो सी एक्स प्लस डी का एक शून्य जीरो हो तो दो अन्य शून्यों का गुणनफल क्या होगा? सी बटे ए आंसर होगा। कहा था क्वेश्चन का बन 22 तक पहुंचेगा। एक मिनट वीडियो देखो, अपन एक बंद है चालू है, देखो 22 तक पहुंचेगा। 23 पर आ जाओ, देखो 23 में आपसे बोला है यदि द्विघात बहुपद ए एक्स घात दो प्लस बी एक्स प्लस सी शून्यक ए और बी हो तो जी इंटू होता क्या होता है? इंटू, तो ए इंटू बी का मान क्या हुआ? तो ए इंटू अल्फा अल्फा इंटू बीटा है, ए इंटू बी बोल सकते हो। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हुआ? सी बटे ए होगा। अगला, बहुपद एक्स एक्स घात दो माइनस तीन के शून्यक क्या होंगे? तो एक्स स्क्वायर माइनस तीन के शून्यक क्या होंगे? देखो एक्स स्क्वायर माइनस तीन बोला है, क्या बोला? एक्स स्क्वायर माइनस का तीन। शून्य का मतलब क्या होता है? जीरो। किस में लेगा अपन? जीरो मिलेगा। किस में लेगा अपन? जीरो मिलेगा। एक्स स्क्वायर बराबर तीन अभी किस में है? माइनस में। माइनस वाला सर किस में पहुंच जाता है? प्लस में। एक्स बराबर तीन का तीन, अभी स्क्वायर वाला कम पहुंच जाता है रूट में, स्क्वायर वाला कम पहुंच जाता है रूट में। तो हमें अब हमें नहीं पता कि तीन जो है वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, तो हम क्या कर देंगे? एक चिन्ह लगा देंगे प्लस का, एक चिन्ह लगा देंगे माइनस का। तो हमारा आंसर कौन कहलाएगा? प्लस माइनस का रूट तीन। त्रिघात बहुपद कितने शून्य होंगे? तीन शून्य होंगे। 25 तक पहुंच गए अपन, 26 पर आ जाओ। देखो 26 आपसे बोला है चार एक्स के बहुपद पी एक्स में एक्स की उच्चतम घात क्या कहलाती है? बहुपद कहलाती है। एक्स माइनस एक एक्स माइनस दो के शून्य क्या होंगे? देखो एक्स माइनस एक एक्स माइनस दो के शून्य, शून्य मतलब क्या होता है? जीरो मिले जाते हैं। एक्स माइनस एक और एक्स माइनस दो, तो पहले को किस में ले जाओ आप? जीरो में। दूसरा भी किस में ले जाओ आप? जीरो में। तो एक अभी किस में है? माइनस में। तो माइनस वाला सर किस में आ जाएगा? प्लस में। एक्स दो अभी किस में है? माइनस में। माइनस वाला इसमें किस में आ जाता है? प्लस में। तो हमारा आंसर कौन कौन होगा? एक और दो। अगला देखो, अगला आपसे बोला है ए एक्स घात दो प्लस बी एक्स प्लस सी एक किसका बहुपद का उदाहरण है? किसका उदाहरण है? द्विघात बहुपद का। रेखीय बहुपद की अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं? एक। एक द्विघात बहुपद ए एक्स घात दो प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है जहां ए कॉमा बी कॉमा सी वास्तविक संख्या है और ए बराबर जीरो नहीं हो, ये क्या है? सत्य है। पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स ए निष्कर्ष कहलाती है। इसका आंसर क्या होगा? विभाजन एल्गोरिथम। यदि एक समीकरण एकमुश संगत है तो रेखाएं कौन सी होंगी? प्रतिच्छेदी या समपाती। अगला, एक ऐसी समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है कौन सी होती है? रेखीय समीकरण कहलाती है। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है वो क्या कहलाती है? रेखीय समीकरण कहलाती है। 33 तक होगा, 34 पर आ जाओ। देखो 34 आपसे बोला है रेखीय समीकरण एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जीरो का आलेख एक क्या होता है? सरल रेखा है। जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब निकाय कौन सी कहलाती है? संगत निकाय कहलाता है। जब किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है। अगला, समीकरण x प्लस बाय बराबर आठ दे रखा है हमें, हमें समीकरण दे रखी है x प्लस बाय बराबर आठ, हमें x का मान कौन दे रखा है? तीन। किसका मान पूछा है? बाय का मान। तो हम एक्स ये कौन लिख देंगे? तीन प्लस बाय बराबर आठ, y का y, 8 का 8, 3 किस में है? प्लस में। इस साइड किस में आ जाएगा? माइनस में। 8 माने 3 कौन होता है? 5। तो हमारा आंसर y का मान कौन आ गया? 5। वर्ग समीकरण का आरेख एक सरल रेखा होती है क्या? नहीं होती। कौन है? असत्य है। जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है वह क्या कहलाती है? रेखीय समीकरण कहलाती है। कौन कहलाती है? रेखीय समीकरण। कहां तक पहुंच गया अपन? 39 तक। अगला आ जा 40 पर। देखो 40 आपसे बोला है जब किसी समीकरण निकाय के अनंत अनेक हलो तो उसका आलेख कैसा होगा? समपाती रेखाएं। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? एक्स घात दो प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो।
अगला, निम्न में से किस वर्ग समीकरण का मूल दो है? निम्न में ये वाला पद को नहीं करना। भाई साहब ये मत सोचना सर को समझ में नहीं आया, सन्न नहीं करवा, तो भाई साहब ऐसा नहीं है। कैसो है, आपको ये वाला सवाल नहीं करना है। 42 वो को 43 पे आ जाओ। देखो 43 आपसे क्या बोला है, निम्न में से किस वर्ग, ये वाला भी नहीं करना आपको। अगला देखो, यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद है तो पी एक्स बराबर जीरो क्या कहलाता है? वर्ग समीकरण। क्या कहलाता है? वर्ग समीकरण। किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम कितने मूल होते हैं? दो होते हैं। वर्ग समीकरण में एक्स की घात दो प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का विभक्त कर का सूत्र क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस चार ए सी। वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात दो हो वो क्या कहलाता है? वर्ग समीकरण कहलाता है। वर्ग समीकरण एक्स माइनस चार एक्स माइनस तीन बराबर जीरो के मूल, आप देखो जब मूल बोल दे या शून्य बोल दे, दोनों किस में ले जाएंगे अपन? जीरो में। किस में ले जाएंगे अपन? जीरो में। एक्स माइनस चार एक्स माइनस का तीन, तो एक्स माइनस चार किस में ले जाओ आप? जीरो में। और कौन है एक्स माइनस का? तीन, तो एक्स माइनस तीन को किस में ले जाओ आप? जीरो में ले जाओ। एक्स का एक्स, तो माइनस वाला किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। ये तीन माइनस वाला किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो आपका आंसर कौन कौन होगा? चार है और तीन है, प्लस का कौन है? तीन है। गलती टाइप हो गया, प्लस का कौन है? तीन है। अगला समीकरण तीन एक्स, अगला देखो 49 पे देखो, 48 होगा अपना। देखो 49 आपसे बोला है समीकरण तीन एक्स घात दो माने दो एक्स प्लस ये एक बटे तीन है बराबर जीरो व्यक्त कर का मान क्या होगा? देखो तीन एक्स घात दो माइनस दो एक्स प्लस एक बटे तीन बराबर क्या है? जीरो। विव्यक्त कर पूछा है, क्या बोला? विव्यक्त कर। इसका सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस चार ए सी। आपको पता है जी वाला मान किसका होता है? ए का। बीच में किसका मान होता है? बी का। लास्ट में किसका मान होता है? सी का। मान रखो बी का मान माइनस का दो, बी का माइनस का दो कितनी बार है? दो बार। माइनस चार इंटू ए का मान कौन है? तीन। ए किए गए तीन, कुछ ना हो तो इंटू सी का मान एक बटे तीन, सी का मान एक बटे तीन बराबर कौन है? जीरो। माने दो का स्क्वायर, माने दो को दो बार लिखेंगे, एक बार और दो बार, माइनस से माइनस क्या होता है? कैंसिल। दो इंटू दो चार, माइनस का माइनस, चार का चार, तीन से तीन क्या हुआ? कैंसिल बराबर जीरो। चार माने चार क्या होता है? जीरो। तो हमारा आंसर कौन कहलाएगा? जीरो। तो हमारा आंसर कहाँ आया? जीरो। तो हमारा आंसर कौन रहेगा? जीरो। अगला आ जाओ, अगला आपसे बोला है विवेककर ऋणात्मक कौन कहलाता है? मूल अधिक अधिक काल्पनिक होते हैं। विवेककर शून्य क्या कहलाती है? मूल समान वास्तविक होते हैं। विवेककर धनात्मक क्या कहलाता है? मूल वास्तविक होते हैं। वर्ग समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, असत्य है। किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। यदि किसी वर्ग समीकरण का विवेककर शून्य हो तो उसके मूल कैसे होंगे? समान एवं वास्तविक। 56 पर आ जाओ, देखो 56 आपसे बोला है यदि किसी वर्ग समीकरण का विवेककर धनात्मक पूर्णमल संख्या हो तो उसके मूल कैसे होंगे? परिमेय एवं असमान। अगला देखो द्विघात समीकरण ax की घात 2 + bx + c = 0 के विवेककर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, क्या होता है? v² - 4ac। अगला बोला है x + 1 2x - 3² द्विघात समीकरण है या नहीं है? इसका मतलब होता है द्विघात समीकरण का मतलब होता है इस प्रश्न को हल करना है। हल करने पर अगर आपको x की घात 2 देखती है तो हम सही हैं, उन्हें देखती है तो हम गलत हैं। इस प्रश्न को अपन हल करते हैं। देखो x + 1 बराबर 2 x माइनस 3 का होल स्क्वायर, देखो x + 1 बराबर 2। यहां आपको सूत्र दिख रहा हो, माइनस का सूत्र लगेगा, क्यों? x में 3 माइनस होता है क्या? नहीं। ऊपर कौन है? स्क्वायर। यहां सूत्र लगाएंगे अपन, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो आपको पता है a का मान कौन बोल दोगे? x। b का मान कौन बोल दोगे? 3। माइनस माइनस कैंसिल होता है। देखो ये प्रश्न गलत लिखा है डियर स्टूडेंट, ये प्रश्न में कहीं ना कहीं अपनी गलती है। इस प्रश्न को थोड़ा काट दो, प्रश्न किसी प्रकार से आ सकता है क्योंकि 2 तो बाहर है। अब x मान 3 का होल स्क्वायर खोलेंगे, यहां प्रश्न में कहीं ना कहीं प्लस होगा या माइनस होगा, ये प्रश्न गलत है। 58 थोड़ा आप समझ लेना, कर लेना, क्योंकि आप सही बोला है प्रश्न जब भी द्विघात समीकरण पूछे है या नहीं है, इसका मतलब होगा प्रश्न को हल करेंगे। हल करने पर अगर आपको x की घात 2 दिखती है तो वो द्विघात समीकरण है,
अगर आपको एक्स का दो नहीं दिखती तो दुई का समीकरण वो नहीं है। अब आ जाओ 59 पर, देखो 59 आपसे क्या बोला है, एक एपी का प्रथम पद माइनस दो, सार्वांतर माइनस दो के प्रथम चार पद होंगे। प्रथम पद मतलब कौन होता है ए, सार्वांतर कौन होता है डी, चार पद बोल रहे हैं तो आपको सूत्र याद होना चाहिए। देखो पहले पद का सूत्र क्या होता है ए होता है, दूसरे पद का सूत्र क्या होता है ए प्लस डी होता है, तीसरे पद का सूत्र क्या होता है ए प्लस दो डी होता है, और चौथे पद का सूत्र क्या होता है ए प्लस तीन डी होता है। मानो को अपन रखते हैं, ए का मान कौन है माइनस का दो, तो पहला आ गया आंसर, ए का मान माइनस का दो प्लस का प्लस, डी का मान माइनस का दो, डी का माइनस तो माइनस वाला कोष्ठक के अंदर, माइनस दो का माइनस दो। देखो एक बार करते हैं, प्रथम पद ए जिसका मान होता है ए का, जिसका मान होता है डी का, चार पद निकालना है। पहला होता है ए, पहला ए वन का, पहला पद का सूत्र क्या होता है ए, दूसरे पद का सूत्र क्या होता है ए प्लस डी, तीसरे पद का सूत्र क्या होता है ए प्लस दो डी, चौथे पद का सूत्र क्या होता है ए प्लस तीन डी। मानो को रखते हैं, ए का मान माइनस का दो, ए का मान माइनस का दो प्लस का प्लस, डी का मान माइनस का दो, माइनस वाला कोष्ठक के अंदर, माइनस दो प्लस माइनस माइनस, दो का दो, दो का दो, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस चिन्ह किसका आता है माइनस का, दो और दो चार, ए का वन माइनस का दो प्लस दो का दो कुछ ना हो तो इंटू, डी का वन माइनस का दो माइनस दो इंटू कौन है प्लस माइनस माइनस, दो इंटू दो चार, माइनस माइनस का होता है प्लस चिन्ह किसका आता है माइनस का, दो और चार छः, ए का वन माइनस का दो प्लस तीन का तीन कुछ ना हो तो इंटू, डी का वन माइनस का दो माइनस वाला कोष्ठक अंदर, माइनस दो इंटू कौन है प्लस माइनस माइनस, तीन दूनी छः, माइनस माइनस क्या होता है प्लस चिन्ह किसका आता है माइनस का, दो और छः आठ। हमारा आंसर पहला कौन है माइनस दो माइनस चार माइनस छः माइनस आठ, तो माइनस दो माइनस चार माइनस छः और माइनस आठ। अगले पर आ जाओ, अगला बोला है जब किसी अनुक्रम के पदों का किसी नियम द्वारा लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी के किसी पद का उसके पूर्ववर्ती पद में अंतर क्या कहलाता है, सार्वांतर कहलाता है। कोई तीन राशियां समांतर श्रेणी में हो तो माध्य वाली राशि शेष दो राशियों का क्या कहलाता है, समांतर माध्य कहलाता है। एक मिनट रुकिए, चलो आगे बढ़ते हैं अपन, कहां तक पहुंच गया 62 तक पहुंच गए, अगला आ जाओ। देखो 63 आपसे बोला है एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी हो तो उसका एनवा पद क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी होगा। अगला समांतर श्रेणी 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 सार्वांतर डी का मान पूछा है, किसका मान पूछा डी का, तो देखो डी का सूत्र क्या होता है ए टू माइनस ए वन, डी का सूत्र क्या होता है ए टू माइनस ए वन, तो पहला वाला कौन होता है ए वन, दूसरा वाला कौन होता है ए टू, तीसरा वाला ए थ्री, चौथा वाला ए फोर, तो सार्वांतर डी का सूत्र क्या होता है ए टू माइनस ए वन। तो देखो ए टू कौन है 1/2, ए टू कौन है 1/2 माइनस का माइनस, ए वन कौन है 3/2, ए वन कौन है 3/2। अब क्या करेंगे एलसीएम, एलसीएम लेने पर अगर नीचे दोनों संख्या सेम होती है कितनी बार लिखा जाता है एक बार, ऊपर लिखते हैं सेम टू सेम, ऊपर कौन है अपने पास एक माइनस का तीन, एक माइनस का तीन, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तीन माइनस एक कौन होता है दो, प्लस बढ़ाएगी माइनस बढ़ाएगा माइनस चिन्ह किसका आएगा माइनस का, बटे में कौन है दो, माइनस का माइनस, दो एकम दो, तो हमारा आंसर कौन कहलाया माइनस का एक। अगला देखो, अगला बोला है समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं क्या, नहीं होते है, सत्य है। अगला समांतर श्रेणी 10-5 का अगला पद जीरो हुआ क्या, होगा क्यों, 10 फिर 5, 5 के पहले कौन आएगा जीरो, 5 5 का अंतर दिख रहा है 10, फिर 5 घटे 5, फिर 5 घटे कौन बचेगा जीरो। अगला देखो दो रूट दो जीरो का अगला पद क्या होगा माइनस दो होगा, क्यों माइनस का रूट दो होगा, क्यों देखो जे दो रूट दो है, जे एक रूट दो है, जे जीरो है, अब जीरो के बाद कौन आएगा माइनस का एक आएगा। देखो दो रूट दो है एक रूट दो है जीरो है, फिर कौन होगा माइनस का एक रूट दो होगा, कौन माइनस का एक रूट दो होगा, एक को लिखा जाता है क्या, नहीं केवल समझने के लिए होता है, कौन होगा माइनस का रूट दो होगा। 3/5 4/5 √5 कौन सी श्रेणी कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है, कौन श्रेणी कहलाती है समांतर श्रेणी। कहा तक पहुंच गया 68 तक, 69 पर आ जाओ। देखो 69 आपसे बोला है यदि किसी श्रेणी में पदों की संख्या सीमित ना हो तो उसे क्या कहते हैं, अनंत श्रेणी कहते हैं। अगला देखो दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों,
त्रिभुजों के संगत कौन कैसे होते हैं? बराबर। और संगत भुजा कैसी होती है? अनुपातिक या समानुपातिक, या अनुपातिक मतलब सेम होता है। समरूपता के लिए अवसायिक प्रतिबंध है, समरूपता के लिए वो अवसायिक प्रतिबंध है कौन कौन से होते हैं? कौन कौन कौन? समरूपता, कौन कौन कौन? कौन कौन? समरूपता, भुजा कौन? भुजा समरूपता। ये आपको याद करना पड़ेगा। कहा था पहुंचे 71 तक पहुंच गए, अगला आ जाओ 72 पर। देखो अगला, यदि दो त्रिभुजों एबीसी एवं पीक्यूआर में एबी क्यूआर बीसी पीआर सीए हो तो तब क्या होगा? देखो आपसे, देखो त्रिभुज किस किस की बात चल रही है? एबीसी की और पीक्यूआर की। तो जो आपसे बोला सेम टू सेम वही देख के लिख दो बस। त्रिभुज पीक्यूआर और त्रिभुज सीएबी, त्रिभुज क्या कर दो आप? सीएबी। इसको आप एबीसी करोगे तो भी वो सही कहलाएगा, सीएबी करोगे तो भी वो सही कहलाएगा। अब देखो अगला, त्रिभुज एबीसी, एबी का मान 6√3 है, एसी का मान 12 है, बीसी का मान कौन है? 6। तो कोण बी का मान क्या है? कोण बी का मान देखो, आपने कोण बनाया, कोण बनाया, कोण बनाया, इसको नाम दो ए, इसको नाम दो बी, इसको नाम दो सी। देखो ए का मान कौन, ए बी का मान कौन है? 6√3। ए बी कौन है? 6√3। ए सी कौन है? 12। ए सी कौन है? 12। बी सी कौन है? 6। बी सी कौन है? 6। अगर आप वो पायथागोरस प्रमेय लगाओगे तो पायथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? देखो ये कौन कहलाता है? कर्ण। एक कौन कहलाता है? लंब। एक कौन कहलाता है? आधार। तो पायथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब आप क्या करोगे? कर्ण लंब और आधार में मान रखोगे, कर्ण लंब आधार मान रखोगे ना। अगर ये दोनों मान सेम आएंगे, मान लो 3 और 3 आए या 6 और 6 आए, अगर दोनों मान सेम आते हैं तो कौन कितने का होगा? 90 का होगा। आपको हमेशा यही दे रखा होगा, ए बी का मान दे रखा होगा, ए सी का मान दे, बी सी का मान दे रखा हो। तो कौन बी, बी का मान क्या है? तो ध्यान रखना, जब ए बी का मान दे रखा हो, बी सी का मान दे, ए सी का मान दे रखा होगा, पाइथागोरस प्रमेय से हल करोगे तो आपके दोनों आंसर सेम आएंगे, आपके दोनों आंसर सेम आएंगे। तो कौन कितने का होगा? 90 का। तो आंसर कौन कहलाएगा? 90 का। अगला देखो, सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप। सभी संभव त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। कहां तक पहुंच गए? 76 तक। एक मिनट देखो वीडियो चालू है क्या। अगला देखो आगे, 76 तक क्लियर हो गया, अब आगा 77 पर। देखो अगला आपसे बोला है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि संगत कौन क्या है? बराबर। उनकी भुजाएं कैसी हैं? समानुपाती। ये अपन कर चुके, सीरीज को काट दो। सर्वसम त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है क्या? बिल्कुल होती, सत्य है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं क्या? नहीं होते, असत्य है। यदि दो त्रिभुज समकोणिक हों तो त्रिभुज समरूप होंगे क्या? होंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधा गुणा शीर्ष लंब होता है, इसलिए सत्य कर दिया। आकृतियां का वह गुण जिसमें उनका आकार समान तथा विस्तार भिन्न भिन्न हो क्या कहलाता है? समरूपता कहलाता है। क्या कहलाता है? समरूपता कहलाता है। अगला जाओ, खास पहुंच गए 84 पर। देखो 84 बोला है, कौन से त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं? समबाहु त्रिभुज। देखो अब पेचादी चीज ध्यान समझना, एक्स अक्ष से बिंदु P2, 3 की दूरी है, y अक्ष से बिंदु P2, 3 की दूरी है। जब आपसे x अक्ष बोल दे, जब आपसे x अक्ष बोल दे तो आंसर कौन सा वाला होता है? पीछे वाला। आंसर कौन सा वाला होता है? पीछे वाला। जब y अक्ष बोल दे, y अक्ष बोल दे तो आंसर कौन सा होता है? आगे वाला। x अक्ष बोल दे तो बाद में क्या लिख रहा है? 3, तो आंसर कौन होगा? 3। जब y अक्ष बोल दे तो आगे कौन लिख रहा है? 2, तो इसका आंसर कौन होगा? 2। जब आपसे एक्स बोले तो बाद वाला आंसर, वाई वाला बोले तो पहले वाला आंसर। अगला देखो, बिंदु ए 0.6 और बी 0.2 के बीच की दूरी क्या है? ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, जब आपको 0 और 0 दे रखा हो, बीच की दूरी बोली हो, चलो कुछ भी दे रखा है भूल जाओ इसको, जब बीच की दूरी दे रखा हो, क्या रखा हो? बीच की दूरी। तो आपको करना क्या है, इसका सूत्र तो वैसे वो होता है रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, पर आपको ट्रिक सिखा रहा हूं। ट्रिक में करना क्या है, जब आपको 0 0 दिख जाए, जब 0 0 दिख जाए ना, तो जो संख्या दे रखी उसका स्क्वायर कर दो। आप कैसे देखो, 6 बताऊं कैसे देखो,
6 माइनस 0 कौन होता है 6 6 पे क्या लगाओ स्क्वायर लगाओ 6 पे क्या लगाओ स्क्वायर लगाओ 2 माइनस 0 देखो कैसे हुआ जी माइनस का 2 है जी ऐसे मत करो चलो ट्रिक मत करो अगर ट्रिक आपको बताऊंगा ना तो कभी कभी काम में वो नहीं आएगी आपका सर भैया आप नहीं समझा पा रहे आप ट्रिक पे आ गए भाई साहब ऐसा नहीं है आपको ट्रिक तो बता दूं कैसे 6 और 2 कितना होता है 8 इसका आंसर 8 ही है बताऊं कैसे पर ट्रिक वो कभी कभी काम में कभी काम में नहीं आएगी तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है ध्यान से देखना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर आपको पता है पहले कौन निकालते हैं x1 और y1 फिर क्या आता है x2 और y2 मान रखते हैं देखो अपन x2 का मान 0 x1 का मान 0 x2 का मान 0 x1 का मान 0 कितनी बार है 2 बार y2 का मान कौन -2 y1 का मान 6 y2 का मान माइनस का 2 माइनस y1 का मान कौन है अपने पास 6 कितनी बार है 2 बार 0 माइनस 0 0 पर स्क्वायर जी माइनस माइनस क्या होता है प्लस चिन्ह किसका आता है माइनस का 2 और 6 8 कितनी बार है 2 बार 0 का स्क्वायर 0 माइनस 8 को 2 बार लिखोगे तो -8 × -8 माइनस माइनस क्या हुआ कैंसिल 8 × 8 कौन होगा 64 0 प्लस 64 कौन होता है 64 और 8 का वर्ग कौन होता है 64 और 64 का वर्गमूल कौन कहलाएगा 8 तो हमारा आंसर कौन कहलाएगा 8 अगला देखो मूल बिंदु से बिंदु P -6 8 की दूरी क्या होगी देखो मूल बिंदु मतलब क्या होता है 0, 0 मूल बिंदु मतलब क्या होता है 0, 0 आपको यहां कौन ज्ञात करना है बीच की दूरी कौन ज्ञात करना है बीच की दूरी तो बीच की दूरी का सूत्र वही होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पहले से कौन आता है x1 और y1 यहां से कौन आया x2 और y2 ये वाला आप कर सकते हो क्यों अभी तो सिखाया था मैंने आपको बीच की दूरी यहां से आपने ज्ञात करी तो सूत्र क्या होता है लिखाई दिया मैंने यहां भी बीच की दूरी याद करना है मूल बिंदु मतलब कौन होता है 0, 0 x1 y1 x2 और y2 मान रखना आपका आंसर कौन आ जाएगा 10 आ जाएगा अगला देखो 89 देखो 89 आपसे बोला है ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष है 0, 0, 0, 5, 0 इसके विकर्ण की लंबाई अब विकर्ण की जब भी लंबाई बोल दे तीन व्यक्ति बोल दे तो आपको करना क्या ध्यान से देखना रूट लगाना है पिछले में से अगले वाले संख्या माइनस करना उनका स्क्वायर करना कैसे देखो 3 - 0 कौन होता है 3 पे क्या लगाओ स्क्वायर लगाओ प्लस 0 - 0 क्या होता है 0 इस पे स्क्वायर लगाओ 0 - 5 क्या होता है -5 उस पे क्या लगाओ स्क्वायर लगाओ अब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 0 का स्क्वायर 0 -5 को 2 बार लिखो -5 × -5 माइनस माइनस क्या हुआ कैंसिल 5 × 5 कौन होगा 25 तो 9 + 25 कौन होता है 34 रूट के अंदर तो आपका आंसर कौन कहलाएगा रूट में 34 अगला देखो किसी बिंदु की वाई अक्ष दूरी क्या कहलाती है एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती है किसी बिंदु एक्स अक्ष दूरी क्या कहलाएगी वाई निर्देशांक या कोटि देखो 0, y एवं x, 1 के माध्य दूरी क्या होगी क्या बोला है माध्य दूरी ये माध्य दूरी नहीं होगी ये अपने पास होगी x2 - x1 का होल स्क्वायर एक मैं देख रहा हूं प्रश्न गलत है कि नहीं है देखो डियर स्टूडेंट ये पहली बात तो इसको करना आप 0 और माध्य दूरी की कर लेना आप बीच की दूरी माध्य दूरी की कौन कर लेना बीच की दूरी आपका आंसर आ जाएगा ये प्रश्न गलत है इसको आप 0, y है इसको आप करना x, 0 कौन करना x, 0 बीच की दूरी ज्ञात करना है तो आप सभी को पता है पहले से कौन आता है x1 और y1 दूसरे से कौन आता है x2 और y2 तो करके दिखाता हूं बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर मान रखते हैं अपन देखो x2 कौन है x1 0 x2 कौन है x माइनस x1 कौन है 0 कितनी बार है 2 बार प्लस y2 कौन है 0 y1 कौन है y2 कौन है 0 माइनस y1 कौन है y कितनी बार है 2 बार x - 0 कौन होता है x कितनी बार है 2 बार प्लस 0 - y क्या होगा -y कितनी बार है 2 बार तो x को 2 बार लिखो x × x क्या होता है x² प्लस -y को 2 बार लिखोगे -y × -y माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल y × y क्या होगा y² तुम्हारा आंसर कौन कहलाएगा रूट में x² + y² देखो 93 0, y बिंदु की कोटि कोटि मतलब कौन सा वाला मान होता है बाद वाला कोटि मतलब क्या होता है बाद वाला
तो बिंदु की कोटि बाद में कौन लिख रहा है बाय, तो आंसर कौन होगा बाय। एक्स कॉमा जीरो बिंदु की भुज, भुज मतलब कौन सा मान होता है पहले वाला, कोटि मतलब मान कौन सा होगा बाद वाला, और भुज मतलब आंसर कौन होगा पहले वाला, पहला कौन है एक्स, तो आंसर कौन होगा एक्स। कोटि बोल दे तो बाद वाला आंसर, भुज बोल दे तो पहला वाला आंसर। कहां तक पहुंचेगा 94 तक, 95 पर आ जाओ। देखो 95 में क्या है सूत्र है, 95 सूत्र है, 96 वाला भी क्या है देखो, देखो 95 वाला अपने पास क्या है सूत्र, इसको याद कर लेना इसका आंसर है। अब देखो 96 वाला, 96 वाला क्या है सूत्र, इसका आंसर है। 97 वाला क्या है सूत्र, इसका क्या है ये आंसर है। 98 वाला क्या है सूत्र, इसका आंसर है। ये चार सूत्र से 95, 96, 97 और 98। 99 पर आ जाओ, 1 मिनट डियर स्टूडेंट रुकना। डियर स्टूडेंट अपन सीखते हैं 99 वाली। 99 आपसे क्या बोला है, यदि धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई √3 गुना हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कौन क्या होगा। देखना डियर स्टूडेंट, जब धूप में खड़ा एक व्यक्ति है उसकी ऊंचाई √3 बोली हो, जब भी उसकी ऊंचाई √3 बोली हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कौन कितने का होता है 30 का होता है, कितने का होता है 30 का होता है। एक पेड़ की छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कौन क्या होगा। तो बताता हूं कैसे, पहले कौन लिखा जाता है ऊंचाई, फिर कौन लिखी जाती है छाया, और किस में आता है टैन में आता है, किस में आता है टैन में। क्यों, ऊंचाई किस में होती है अपने पास लंब में होती है, और जो छाया कहां होती है नीचे यानी अपने पास आधार में होती है। तो डिटेल में थोड़ा 90 चैप्टर में था, पूरे डिटेल में समझाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इतना सा आप ये समझो बस। पहले कौन आती है ऊंचाई, ऊंचाई का मान कौन है 20, फिर छाया का मान कितना 20√3, कौन है 20√3, तो 20 से 20 क्या हुआ कैंसिल, ऊपर कौन है एक, नीचे कौन √3 है। तो अब ये पता करिए टेन में 1/√3 किसका मान होता है, तो टेन में 1/√3 किसका मान होता है 30 डिग्री का होता है, टेन 30 का होता है, तो आंसर कौन होगा 30 डिग्री। अगला देखो, पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो ऊंचाई जो पेड़ की छाया है वही ऊंचाई के बराबर है, जो पेड़ की छाया होगी वही ऊंचाई होगी। तो हमें कुछ मान दे रखा है क्या, नहीं, तो पहले कौन आता है ऊंचाई, तो हमने छाया भी एक मानी ऊंचाई भी एक मानी, ऊंचाई का मान कौन है एक है, छाया का मान कितना है एक है, एक कहां आएगा बट्टे में, तो 1/1 का मतलब क्या होता है एक, तो टेन में एक किसका मान होता है टेन 45 का मान होता है, आंसर कौन होगा 45 डिग्री होगा। 102 पर आ जाओ, देखो 102 आपसे बोला है मीनार की ऊंचाई छाया की लंबाई क्या हो समान हो, सूर्य का उन्नयन कौन क्या होगा, सेम वही है जो बस सीख लिया ना अभी, नहीं सीख दो, जो मीनार की ऊंचाई है वही किसकी है छाया की लंबाई होगी, तो मीनार की ऊंचाई एक मानो छाया की लंबाई भी एक मानो, पहले किसका मान आता है ऊंचाई, ऊंचाई कौन है एक, फिर किसका मान आता है छाया का सॉरी छाया मान कितना है एक, कहां जाएगा एक, 1/1 का मतलब कितना होता है एक, तो एक किसका मान होता है टेन में टेन 45 डिग्री का, आंसर कौन होगा 45 डिग्री होगा हमारा। अगला देखो, नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज से जितना ऊपर की ओर घुमाना पड़ता है वह कौन क्या कहलाता है उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर तरफ क्या होता है उन्नयन कोण। ऊपर के किसी बिंदु से नीचे के किसी बिंदु को देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज से जितना नीचे की ओर घुमाना पड़ता है वह कौन अवनमन कौन कहलाता है, ऊपर से नीचे की ओर घुमाएंगे तो वह कौन कौन सा होता है अवनमन कौन। यदि किसी मीनार पेड़ की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई बराबर हो, अपन कर चुके वाला प्रश्न काट दो, अपन को नहीं करना 105 वाला, अगले पर आ जाओ 106 पर। देखो 106 आपसे बोला है एक भवन के पास 25 मीटर की दूरी से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो भवन की ऊंचाई क्या होगी। देखो कितना मीटर दे रखा है 25 मीटर, कितना दे रखा है 25 मीटर, कौन लिखा 25 लिखा। अब 45 है, टेन में ये पता करना है 45 डिग्री किसका मान होता है, तो टेन में 45 डिग्री टेन 45 डिग्री है, तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है एक होता है, तो 25 का इनटू आप एक में कर दो,
तो 25 इंटू कितना होता है 25, हमारा आंसर कौन कहलाएगा 25 मीटर। अगला देखो, वह रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आंख से सीधी भूमि के समांतर जाती है, क्या कहलाती है, क्षेत्र रेखा कहलाती है। हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने रेखा, वो क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए, क्या होती है उन्नयन कोण, जब वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा के ऊपर हो तो उसे देखने के प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से ऊपर को मुड़ जाती है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। कहा तक हुआ 109 तक हुआ, 110 पर आ जाओ। देखो 110, जब वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा से नीचे हो उससे देखने के लिए प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से नीचे को मुड़ जाती है उस कोण को अवनमन कोण कहते हैं। पेपर में आ सकती है अवनमन की परिभाषा लिखिए, तो यहां से यहां तक अवनमन की परिभाषा है। अगला देखो, दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए, क्या होती है हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने रेखा, दृष्टि रेखा कहलाती है। 111 112 पर आ जाओ। देखो हो क्यों नहीं रहा ये, डियर स्टूडेंट 112वां जो अपना प्रश्न है वो अपना क्या है, गलत है, इसको आपको नहीं करना, यानी इंपॉर्टेंट भी नहीं है गलत भी है। देखो अगला देखो, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, OQ 12 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना PQ की लंबाई क्या है। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर का रूट में 119 सेंटीमीटर। ये अपना प्रश्न 10.1 का नहीं, 10. कौन सी है, हाँ 10.2 का जी अपना प्रश्न, 10.1 का सॉरी जी अपना 10.1 का प्रश्न तीसरा वाला है। कौन सा है प्रश्न वाली 10.1 का प्रश्न तीसरा, वहां से आप कर सकते हो। 114 नंबर अपना 10.2 का प्रश्न तीसरा दूसरा वाला, कौन सा है प्रश्न दूसरा वाला, वहां से आप कर सकते हो। 10.1 का प्रश्न तीसरा वाला है, 10.2 का प्रश्न दूसरा वाला, वहां से आप कर लेना। अगला 115, देखो 115 बोला है, वृत्त का चाप, वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण में क्या संबंध है। चाप बराबर कोण इनटू त्रिज्या का संबंध है। एक वृत्तीय क्षेत्र का वाभाग जो दो त्रिज्याओं और संघ चाप से घिरा परिबद्ध हो उस वृत्त को क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहलाती है। त्रिज्या खंड की चाप संघ चाप की माप, पाप नहीं माप है, उस चाप की लंबाई, उस चाप की क्या कहलाती है, लंबाई कहलाती है। कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 300 इंटू पाई आर स्क्वायर। वृत्त के चाप की लंबाई क्या होती है, थीटा बटे 300 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। सूत्र क्या है गलत, चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर होता है। अगला, वृत्त के व्यास डी एवं त्रिज्या आर में क्या संबंध है, डी बराबर 2R का संबंध है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। 121 तक पहुंच गया, 22 पर आ जाओ। 22 आपसे बोला है, त्रिज्याखंड के संगत चाप की माप क्या कहलाती है, चाप की लंबाई कहलाती है। किसी वृत्त की दो त्रिज्याएं संगत चाप से घिरे हुए क्षेत्र की माप क्या कहलाती है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कहलाता है। शंकु के त्रिज्या ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, L बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर होता है। आगे देखिए 124 तक 125 पर आ जाओ। आपसे बोला है, दो गोले का आयतन का अनुपात 64:27 है, आयतन में घात नहीं होती है 3 होती है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल में घात नहीं होती है 2, 3 घात दे रखा, 2 घात आपको ज्ञात करना है, कैसे निकालोगे देखिए। आपको पता है 4 का वर्ग कितना होता है, सॉरी 4 का घन कितना होता है 64, 3 का घन कितना होता है 27, तो 64 का घनमूल उल्टा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसी प्रकार 3 का घन कितना होता है 27, 27 का घनमूल कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको वो घात 2 निकालना, इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कौन हो जाएगा 16, अनुपात का अनुपात,
तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नौ। तो हमारा आंसर कौन कहलाएगा, 16:9। अगला, शंकु के चिन्हक के दोनों सिरे क्या होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। एक बेलन के दोनों सिरों से समान त्रिज्या के अर्धगोले काटे गए तो प्राप्त, तो उसका आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन और गोले का आयतन होगा। अगला 128 पर आ जाओ, एक ठोस बोल प्रकार एक ए भुजा वाले घर के अंदर रखिए तो बोल का आयतन क्या होगा, 1/3 π a³ सूत्र रहेगा। 129 आपको नहीं पढ़ना, तीन माध्यक बराबर बहुलक, तो आंसर क्या होगा, दो माध्य होगा। सूत्र x बार बराबर a प्लस सिग्मा एपाई डी आई सिग्मा एपाई में क्या कहलाता है, ये काल्पित माध्य कहलाता है। 131-132 पर आ जाओ, का सूत्र है, देखो 132 अपने पास क्या है, सूत्र कैसे, माध्यक L बराबर सूत्र इंटू एच, एल बराबर इसको आपको कहते हैं डैश, तो आंसर क्या क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है। बहुलक बराबर सूत्र दे देंगे एच में, क्या आंसर होगा, बहुलक वर्ग की वर्ग माप होती है। ये भी सूत्र है तो आपको डैश छोड़ देंगे, आंसर क्या बोल दोगे, यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे एच। सूत्र ये भी सूत्र है एच में, क्या होगा क्या होता है, वो पग विचलन माध्य कहलाता है। ये भी सूत्र है, क्या होगा, प्रत्येक माध्य कहलाता है। देखो जहां मैंने डैश करे वो अपने आंसर है, ये सूत्र आपको लिख के दे देंगे, ये अपन को आंसर निकालना है। 137 पर आ जाओ, 140 पर आ जाओ, 140 ये भी क्या है, सूत्र है। एच माध्य ज्ञात करने कौन सी विधि कहलाती है, पग विचलन विधि कहलाती है। ये भी क्या है, सूत्र है, ये कौन सी विधि कहलाती है, विचलन विधि कहलाती है बस। अगला, समान प्रक्षणों के वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत आंकड़ों से निकाले गए माध्यकों का मान सदैव समान होता है, असत्य नहीं होता सदैव मान। सूत्र द्वारा केंद्रीय मापों के परिकरण में वर्गों का सतत होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। आगे देखो, समान प्रश्नों के वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत आंकड़ों से निकाले गए बहुलकों का मान सदैव समान होता है क्या, नहीं होता भैया। 145 पर आ जाओ, 12 वंदन में किसी वर्ग की संचाई बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्ग की बारंबारताओं का योग होती है क्या, बिल्कुल होती है। संचाई बारंबारता सारणी की आवश्यक माध्य का परिकलन करने में होती है क्या, बिल्कुल सत्य है। वर्ग 20-40 का वर्ग चिन्ह लिखिए, तो वर्ग चिन्ह कैसे लिखोगे, इन दोनों व्यक्ति को जोड़ के आधा करते हैं, तो 20 और 40 को जोड़ो बटे में कौन लगाओ, दो लगाओ। 20 प्लस 40 कितना होता है, 60, बटे में कौन है, दो, तो दो का 60 कितनी बार में आते हैं, 30 बार। तुम्हारा आंसर कौन कहलाएगा, 30 कहलाएगा। अगला देखो, तोरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यदि घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, जीरो होगी। निम्न में से देखो, अगला देखो, ये 150 वाला देखो, अब देखो, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, 1/3 0.1 3% 1/3 17/16। ध्यान रखना, कभी प्रायिकता होती वो 1 से बड़ी नहीं होती। अगर आप 3 का 1 में भाग दोगे तो 1 से छोटी आएगी, 0.1 छोटा है, 3% है, 3% मतलब कौन होता है, 100। अब 100 का भाग 3 में दोगे तो 1 से छोटा आंसर आएगा, 16/17। अगर आप 16 का भाग 17 में दोगे तो आंसर क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। 1 से आंसर क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, कभी प्रायिकता होती हुई 1 से बड़ी नहीं होती। तो हमारा 17/16 आंसर क्यों होगा, क्योंकि हमारा 1 से बड़ा आंसर आ रहा है, इसलिए कभी प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं होती, इसलिए हमने आंसर कौन लिखा, 17/16 लिखा। अगला, एक
घटना असंभव हो तो इसकी प्रायिकता निम्न के निकटतक होगी 0.001 होती है। किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता प्रतिशत में दी गई है, यह कभी नहीं हो सकती, क्या होती है, शून्य से कम। एक साथ घटित न होने वाली घटनाएं क्या कहलाती है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। देखो जो भाषा वाले हैं वो आपको याद करना है, संख्या वाले में आपको समझाते जाऊंगा। 155 अगला बोला है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, एक होता है। किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं होती, अभी सिखाया था मैंने आपको। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक हो सकती है कि नहीं हो सकती, प्रायिकता कभी एक से बड़ी भी नहीं होती और माइनस में भी नहीं होती, ऋणात्मक मतलब क्या होता है, माइनस होता है। किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं का परिणाम बोधक या संज्ञात्मक निरूपण क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान क्या होता है, एक होता है। पी प्लस पी बार का मान क्या होगा, एक होगा। अगला देखो 161 ये सूत्र है, बहुपद एक अल्पा बीटा गामा त्रिघाति बहुपद एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य हो तो अल्पा प्लस बीटा प्लस गामा आंसर क्या होगा, माइनस की बटे ए। अल्पा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्पा गामा आंसर क्या होगा, सी बटे ए। अल्पा बीटा गामा आंसर क्या होगा, माइनस का डी बटे ए। 162 पर आ जाओ, देखो 162 में क्या, डियर स्टूडेंट ये थोड़ा आपको ध्यान समझना पड़ेगा। देखो इसमें A1, B1, A2, B1, B2, C1, C2 को मान दे रखा है। इससे पता क्या करना है, देखो आपको ये संख्या दे दी जाए कैसे, देखो आपको पता है x से किसका मान आता है, A का, y से मान आएगा B से, और संख्या से आएगा C का मान। देखो दूसरा समझो, पहले को भूल गया, अभी आप देखो ये होगा A1 का मान, ये होगा B1 का मान, ये होगा C1 का मान, यहां से होगा A2 का मान, ये B2 का मान और C2 का मान। जी आपने A1 कौन लिखा, 2, A2 कौन लिखा, 4, V1 कौन लिखा, 3, V2 कौन लिखा, 6, C1 कौन लिखा, माइनस का 9, और C2 कौन लिखा, माइनस का 18। इसी प्रकार आपको हमेशा एक संख्या दे दी जाएगी, आप A1, A2, B1, B2, C1, C2 को मान निकालो। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो आपका तीनों मान कैसे आएगा, सेम। ये मैंने आपको 3.1 में पढ़ाए हैं, 3.1 में पढ़ाए हैं कि अपन कोई हल कैसे पता करते हैं, समांतर रेखा क्या और संपाती रेखा क्या होती है। अगर अपना तीनों आंसर अलग अलग आते हैं तो रेखा कौन सी कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर तीनों मान सेम आते हैं कौन सी रेखा होती है, संपाती रेखाएं। दो मान सेम आए तीसरा मान सेम ना आए कौन सी कहलाती, समांतर रेखाएं। ये मैंने आपको 3.1 में करा है, तो सूत्र याद कर लेना, मान दे देंगे, पूछेंगे कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी संभातीय समांतर, तो आपको प्रश्न दे दिया जाएगा, आपको पता करना है कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी समांतर या संभातीय। ये मैंने आपको 3.1 में पढ़ाया था, वहां से भी आप कर सकते हो। 162 के 163 पर आ जाओ, एक सौ तिरसठ में बोला है, यदि रेखा एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होता है, इस स्थिति में समीकरण क्या कहलाता है, संगत होता है। अगला, यदि रेखा संपाती है तो उसकी अपरिमित रूप से, देखो अपरिमित रूप से अनेक हल हो, यहां क्या अनेक हल बोल दिया, रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु हल होता है, इस स्थिति में समीकरण एक में क्या होता है, आश्रित संगत होता है। 165 पर आ जाओ, 165 देखो, यदि रेखा समांतर है तो समीकरण एकम का कोई हल नहीं होता है, इस स्थिति में समीकरण एकम क्या होता है, असंगत होता है। अब डियर स्टूडेंट 166 में आपको 12 प्रश्न दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सभी प्रश्न 4.1 में है, यहां आपको जांच करके बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये 4.1 के पूरे सवाल हैं, 4.1 के 8 सवाल हैं, और जो 9, 10, 11, 12 ये उदाहरण नंबर दूसरे का सवाल 4 हैं,
तो द्विघात समीकरण चेक करना है आपको, जांच करना है। द्विघात समीकरण का मतलब होता है अगर आपको x की घात 2 दिखती है तो द्विघात समीकरण कहलाएगी, और नहीं दिखती द्विघात समीकरण वो नहीं कहलाएगी। तो 4.1 में वहां से अपने प्रश्न ये सीखे थे, वहां से प्रश्न आप कर सकते हो। आगे देखिए फिर आप, आगे अब आपसे क्या बोला है 167। देखो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि, सूत्र क्या होता है, v²-4ac किससे बड़ा है, जीरो से। दो बराबर मूल हो इसका मतलब नहीं है, दो बराबर मूल हो सूत्र क्या होता है, v²-4ac=0। कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं सूत्र क्या होता है, v²-4ac बड़ा है किससे, जीरो से। ये निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कहलाती है। यदि रखिए, यदि याद रखिए, ये एपी का सार्वंतर तीन बार होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। अगला 171। अब डियर स्टूडेंट 171 में आपको पांच प्रश्न दिख रहे हैं, 171 पांच प्रश्न दिख रहा होंगे, देखो कर रहा हूं ऊपर नीचे रुक जाओ। देखो 171 में आपको दिख रहा हूं पांच प्रश्न जी, अपने 5.1 में, 5.1 में पहली वाली हेडिंग पांचों प्रश्न है, पहली वाली हेडिंग पांचों प्रश्न है। यहां आपको मान दे रखा होगा ए का मान 7 है, डी का मान 3 है, एन का मान 8 है, ए एन का मान पूछा है, तो यहां सूत्र किसका लगता है, ए एन का। सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन। एक करके दिखाता हूं, देखो मान रख दो, किसका मान पूछा है, ए एन का। ए का मान कौन है 7, ए किए गए 7 प्लस एन का मान 8, एन किए गए 8 माइनस का ए, कुछ ना हो तो इंटू डी का मान 3, डी का मान 3, 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, पहले कौन होता है इंटू 7 प्लस 7 तिया 21, 7 प्लस 21 28, हमारा आंसर कौन कहलाएगा, 21 कहलाएगा, जो अपना डार्क अपना क्या है आंसर है। ये 5.1 के पहले के पांच प्रश्न हैं। आगे आ जाओ 171 के आगे, मच्छर भी ज्यादा परेशान करते हैं। देखो इस प्रकार दे रखा है आपको जी, ए का मान है, ये आपको ए का मान दे रखा होगा, डी का मान दे रखा होगा और एन का मान दे, किसका मान पूछा, ए एन का। इसी प्रकार इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर अपने पास क्या है 3.5। तो चार व्यक्ति होते हैं ए डी एन और ए एन, तो तीन किसी तीन व्यक्ति का मान दे रखा होगा, एक व्यक्ति का मान पूछेंगे, इस प्रकार का मान पूछा अपना आंसर ये आ गया, यहां आंसर ये आ गया, यहां पर आंसर ये आ गया, यहां पर आंसर अपना ये आ गया। 172 पर आ जाओ, देखो जी अपन कर चुके इसलिए दोबारा इसको मत करो, 73 भी नहीं, 74 भी कर चुके मत करो, 75 भी मत करो कर चुके, 76 भी कर चुके इसको ही मत करो, 76 नहीं कर अपन ने, 75 तक कर चुके, इतना इतना काट देना ठीक है, अपन कर चुके इसको, अपन को नहीं करना, रिपीट होगा इसलिए अपन कर चुके। सभी सर्वसम आकृतियां समरूप होती परंतु इसका विलोम क्या क्या है, सत्य नहीं है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर। वृत्त को दो बिंदु प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम, छेदक रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। आगे 179। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, दो। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। भ्रम बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की समान क्या होती है, लंबाई होती है। ये सूत्र है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आर स्क्वायर बटे थीटा 360 इंटू पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। बहुलक का सूत्र क्या होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, दो एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच होता है। 185 पर आ जाओ, अब देखो डियर स्टूडेंट बहुलक का सूत्र जो होता है, पर आपको पता करना है कि क्या क्या होता है। देखो L का मतलब क्या होता है, देखो L का मतलब क्या होता है, बहुलक भर की निम्न सीमा। H का मतलब क्या होता है, भर के अंतराल की माप।
F1 का मतलब क्या होता है, बहुला पर की बारंबारता। याद रखना, आपसे बोल दिया जाएगा बहुलक का सूत्र जो होता है, आपसे बोल दिया जाएगा L को क्या कहते हैं, तो बोल सकते हैं L को बहुला पर की निम्न सीमा कहते हैं। आपसे बोल सकते हैं बहुलक का सूत्र दे देंगे H का, H को क्या कहते हैं, तो आप बोल सकते हो H को बढ़ के अंतराल की माप कहते हैं। F1 को हम बहुला पर की बारंबारता कहते हैं। थोड़ा नीचे कर लूं, दिख नहीं रहा होगा। और हम F को CF को क्या कहते हैं, सॉरी नीचे आ गया अपन थोड़ा सा, और F1 को क्या कहते हैं, बहुला पर की बारंबारता। F0 को बहुला पर कैसे, ठीक पहले वाले पर की बारंबारता। F2 को हम बहुला पर के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता कहते हैं। 185 पर आ जाओ, अब माध्य का सूत्र दे देंगे। पहले किसका सूत्र दिया था हमें, बहुलक का, अब हमें किसका सूत्र दे दिया, माध्य का सूत्र दे दिया। आगे करते हैं अपन, देखो आगे देखो, अब माध्य का सूत्र क्या होता है, L+N/CF/F(H) होता है। तो L को क्या कहते हैं, माध्य वर्ग की निम्न सीमा। N को प्रच्छनों की संख्या। CF को माध्य वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचाई बारंबारता। F को माध्य वर्ग की बारंबारता। H को वर्ग माप। अगला बोला, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। ये व्यापक रूप से भी सत्य है। आगे 187, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित 1 है, ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती कितनी है, 0, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। आगे, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1। किसी घटना की प्रायिकता 0 में बड़ी या उसके बराबर तथा 1 से छोटी उसके बराबर होती है। 191, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो मैंने आपको अभी सिखाया था, कभी भी माइनस वाली प्रायिकता नहीं हो सकती और 1 से वाली प्रायिकता नहीं हो सकती। 2/3 -1.5 15% 0.7। तो कभी माइनस वाली प्रायिकता नहीं हो सकती। तो हमारा आंसर कौन है, -1.5। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या वटे संभव परिणामों की संख्या। नीचे का छपकाया हुआ, तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या वटे संभव परिणामों की संख्या होता है। लिख दिया हमने। आगे देखो 193, किसी भी घटना ई के लिए P+P^1 होता है, जहां ई घटना ई नहीं हो सकता व्यक्त करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ई और ई पूरा घटनाएं कहलाती है। यदि दो संख्या का गुणनफल 32 है, कितना दे रखा है, 32, एलसीएम कितना बोला है, 8, क्या पूछा है, एचसीएम। तो इसका आंसर, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF × LCM। क्या होता है, HCF × LCM। तो आपको दो संख्या गुणनफल का मान कौन दे रखा है, 32। तो हम दो संख्या गुणनफल का मान कौन लिख देंगे, 32 बराबर का बराबर। LCM कौन दे रखा है, 8। LCM कौन लिख देंगे, 8। हमें कौन ज्ञात करना है, HCF। तो HCF की आगे HCF इंटू का इंटू, 32 का कौन है, 32, 8 किसमें, गुणा में, कम बस बटे में यानी भाग में, बराबर HCF। तो 8 के बाद 32 कितनी बार में आते हैं, 4 बार में। तो हमारा HCF का मान कौन हो गया, 4। तो हमने कौन लिख दिया, 4 लिख दिया। ये हम कर चुके, इसको मत करो। √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय अपरिमेय दोनों संख्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। 198 पर आ जाओ, अंकगणित की आधारभूत परिमेय क्या है, इसके अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि गुणनफलों का क्रम कैसा भी हो। 99, यदि और भी दो प्रकार की संख्या हैं, तब उनके HCF LCM में क्या संबंध है, तो क्या संबंध होता है, HCF a, b × LCM a, b बराबर a × b का संबंध होता है। बहुपद x² - 49 के शून्य क्या होंगे, देखो
एक्स स्क्वायर माइनस 49 के शून्य बोला है। शून्य मतलब क्या होता है? जीरो। किस में ले जाओ? जीरो में ले जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस वाला किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। एक्स का एक्स, 49 का 49, वर्ग वाला कहां पहुंचता है? वर्गमूल पर पहुंच जाता है। एक्स एक्स बराबर, तो 7 का वर्ग कौन होता है? 49। 49 का वर्गमूल कौन होगा? 7 होगा। तो हमें नहीं पता 49 प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो एक बार किस में ले जाओ? प्लस में। एक बार किस में ले जाओ? माइनस में। तो हमारे दो आंसर कहलाएंगे, प्लस का 7 और माइनस का 7। तो दो आंसर कहलाएंगे, प्लस का 7 और माइनस का 7। प्लस आंसर कभी अपन लगाते नहीं है।